अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पटियाला शलवार की स्टिचिंग सिखाऊंगी। कटिंग की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वैसे फिर भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको कर दूंगी, वो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दूंगी। ये मैंने कट की थी पटियाला शलवार, ये इसके कुंदे हैं और ये इसके साइड वाला जो कपड़ा होता है वो है। अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को इन दोनों कुंदों के साथ मिलाना है। इस साइड पर ये जो साइड है ना, इस साइड पर हमने ये वाला जो है ना, ये साइड पांचे की साइड जो हमने बनाना है, पांचे वाली साइड को इसके साथ मिलाना है। ठीक है, पहले हम ये रखेंगे, जिस मर्जी साइड से पहले रखने, ये पांचे वाली साइड है, उसके साथ हमने एक कुंदा ले लेना है। ये दो कुंदे हैं, एक कुंदा हमने ले लिया। ठीक है, ये कुंदा लिया और इसको इसके साथ ऐसे मिला के तो ये स्टिच कर देना है। दोनों कुंदों को इस पांचे के साथ मिलाना है ऐसे। ये मैंने रख लिया, तकरीबन आपने हाफ इंच छोड़ना है इसके लिए, और डबल सिलाई आपने लाजमी निकालनी है, ऐसी सिलाई निकलेगी नहीं इसकी। ठीक है, एक साइड पहले जोड़ लेंगे एक साइड से, फिर ये दूसरी साइड से जोड़ लेंगे। इसको स्टिच करना है, दोनों जो कुंदे हैं उनको आपने जो हमने पांचे वाली साइड उसके साथ हमने मिला देना। उसके बाद हम इसका बेल्ट तैयार करेंगे, फिर उसके साथ हम इसकी चोंडे डाल देंगे और ये बेल्ट वाली पटियाला चला देंगे। ये बस थोड़ा सा हो गया धागा तोड़ी मशीन, हमारा कुंदा जो उसके साथ आप लोगों ने ये डबल सिलाई कर लेनी है, क्योंकि बाद में हमें पांचा बना कपड़ा निकलना है। ठीक है, ऐसे डबल सिलाई लगा दी, ये लग गई। एक कुंदा मैंने जोड़ना बता दिया आपको, इसी तरह आपने दूसरा कुंदा भी जोड़ देना है। दोनों सीधी साइड रखनी है आपने, सीधी साइड को सीधी साइड के साथ बनाना है। जैसे ये मैंने कुंदा जोड़ा, एक साइड का कुंदा जोड़ गया ये, इसी तरह ये दूसरी साइड का कुंदा भी आपने जोड़ लेना है, तो ये इसकी एक साइड बन जाएगी। ये एक साइड का इसका घेर होगा, ये वाला, ये इसका घेर। ठीक, ये एक साइड का घेर बन गया। इसी तरह से जिस तरह ये मैंने दोनों कुंदे जोड़े हैं, इसी तरह से दूसरी साइड के कुंदे भी जोड़ लेने हैं। दूसरी साइड से भी मैंने जोड़ के रखे हुए हैं, ये दूसरी साइड है, ये एक साइड का घेर है और ये दूसरी साइड का घेर है। ये हमारा नीचे वाले हो गए पांचे कुंदे, और इसके ऊपर जो हमने बनाना है बेल्ट वो ये है। ये बेल्ट मैंने आपको कटिंग करना सिखाया था, अब मैं आपको स्टिच करना सिखाऊँ। सिंपल है ये, बस एक साइड से आपने इनको जोड़ लेना, ये उल्टी साइड है ना, हमने सीधी साइड को सीधी साइड से जोड़ना बेल्ट बनाने के लिए। ये जोड़ लिया, चिड़िया अपनी मर्जी आप जो जिस तरह मर्जी बना लें ऐसे। ठीक है, ये थोड़ी सी सिलाई छोड़ के तो वो मैं बना लेती हूँ। ये थोड़ी सी सिलाई लगाई, अब मैं इतनी छोड़ूंगी, तकरीबन दो इंच का नेफा आता है, तकरीबन उसके मुताबिक मैंने अंदाजन रख लिया। आप चाहें तो आप लोग इंची टेप से भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे अंदाजा नहीं रखा है। ठीक है, ये मैं सिलाई लगा लूँ। इसी तरह से जैसे ये सिलाई लगा ली, इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर सिलाई लगानी है, इस साइड पर भी सिंपल इसको रख के, इधर तो सीधी लगानी है, उधर तो हमने वो बनाना ना नेफा बनाने के लिए जगह रखी है, तो इधर हमने सिंपल सीधी सिलाई लगानी है। सीधी साइड को सीधी साइड से जोड़ के तो तकरीबन हाफ एक पाउ, एक पाउ रखते ना कपड़ा, थोड़ा सा रखते हैं। ये देखो, ये दूसरी साइड भी स्टिच होगी, इसको भी मैं सिलाई थोड़ी सी डबल कर देती हूँ, तो सिलाई निकले ना ऐसे। ये वो सिलाई, अब मैं इसका एक ये साइड सिलाई होगी। बेल्ट वैसे आप लोग चोंडे डालने के बाद, नीचे वाली साइड जोड़ने के बाद भी बना सकते हैं, या पहले जोड़ लें बाद में बेल्ट, ये इस तरह बना लें। तो अगर आप पहले बनाना चाहते हैं तो पहले बेल्ट बना लें और बाद में वो सिलाइयाँ जोड़ लें, नीचे वाला हिस्सा जो है वो बाद में क्रोजा का साथ जोड़ लें, लेकिन मैंने बेल्ट पहले बनाया।
आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप बनाए वो आपकी मर्जी है। इसी तरह इसको ऐसे करना हमने, ये ऊपर जो हमने नेफा बनाना है उसके लिए मैं बता रही हूँ, ये मैं आपको ऊपर ये इसका नेफा बनाना बताती हूँ। इसका नेफा बनाते हैं फिर उसके बाद हम वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी सारा, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगी आपको इजीली, बहुत ही सिंपल तरीका है शलवार। जैसे आप लोग कुंदों वाली शलवार कटिंग करते हैं, वो शलवार कटिंग करें ऊपर से आप 8 इंच कम रख लें, जितनी कुंदों वाली शलवार कटिंग करते हैं ना उसे आपने ऊपर बेल्ट का जो कपड़ा है ना 8 इंच का बेल्ट लगता है, एक एक इंच सिलाई में भी आना होता है, तकरीबन 10 इंच कम आप उसकी लेंथ रख के कुंदों वाली शलवार तो कटिंग करनी है, आपको आती होगी नहीं तो मैं उसकी कटिंग भी आपको बता दूँगी। तो कुंदों वाली शलवार से आप लोग कटिंग करें, ठीक है, उसके ऊपर आप 8 इंच का बेल्ट, 8 इंच का बेल्ट काफ़ी अच्छा, इससे बड़ा भी अच्छा नहीं लगता और इससे ज़्यादा छोटा भी अच्छा नहीं लगता। तो 8 इंच का बेल्ट रखें, बेल्ट रखने के बाद आप जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है जितना उसका उसकी आप झुंडे डाल लें, तो वो हमारी पटियाला शलवार बन जाती है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। अब मैं आपको इसका नेफा बना कर बताती हूँ। नेफा बनाना तो आप लोगों को अब तक आ ही होगा, मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं सिंपल ट्राउज़र की, प्लाजो पैंट की, और भी काफ़ी सारी ट्राउज़र मैंने बनाई हैं। फ़िलहाल मैं ट्राउज़र्स पर ही बना रही हूँ, टाइम मिला तो मैं शर्ट्स की डिज़ाइनिंग पर भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। ये आपको मैं नेफा बनाना बता देती हूँ। आपने एक जैसा कपड़ा रखना है, अगर आपको फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग में मुश्किल हो रही होती है तो आप इंची टेप से मिल के ना इंची टेप से रख लें निशान 2 से 2.5 इंच, इससे ज़्यादा आपने नेफा नहीं रखना, ठीक है। और ये मैं सिलाई लगाऊंगी यहाँ से लेकर घूम के अंत तक आएगी। ये देखें ये नेफा तकरीबन मैं ले लूँगा, नेफा बन गया हमारा। अब हमारा बेल्ट भी बन चुका है, नीचे हमने कुंदे भी जोड़ लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है, जो घेर होता है हमने एक्स्ट्रा रखा होता है, उसका हम क्या करेंगे, उसकी चोंटे डालेंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा बेल्ट, ये बेल्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हाफ है, ये निशान इस निशान से मिल गया ये, ठीक है, ये हाफ पे हम कट लगा लेंगे, इधर भी कट लगा लेंगे ताकि हमें सेंटर का पता चल सके हमने कहाँ तक झुंड डालने हैं। तो इस साइड पे भी हम कट लगा लेंगे, ये कट लग गए। अब हमने क्या करना है, ये लेना हमने नेफा, इसको ऐसे रखना है सीधी साइड, ठीक, ये इसको ऐसे भी रख सकते हैं। चलो मैं देखती हूँ फिर क्या करते हैं इसका। पहले हम क्या करेंगे, अब हम एक्स्ट्रा, अब हमने पहले बेल्ट बना ली है तो हम क्या करेंगे, इसके जो है साइडें दोनों साइडें जो है वो भी हम जोड़ लेंगे, क्योंकि बेल्ट कंप्लीट है तो ये वाली साइड भी नीचे वाली भी कंप्लीट होगी। जैसे हम ट्राउज़र की जोड़ने आसी ने ये दोनों हम जोड़ लेंगे, ठीक है, ये दोनों पीसीज हमने ऐसे जोड़ लेने हैं। जोड़ने के बाद हमने क्या करना है, इसकी चोंडा डालना शुरू कर देंगे, हाफ उधर से हाफ उधर से। पहले इस साइड को हम जोड़ेंगे, ये वाला कुंदा इसके साथ और वो वाला कुंदा इसके साथ, ये मैं कुंदे जोड़ लेती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन ये है कि मैं कहूँगी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ आ जाए बेल्ट वाली शलवार की। बेल्ट हमारा बन गया, अब हमने दोनों ये जो कुंदे बनाए हुए थे तैयार रेडी किया था हमने, ये दोनों साइडें हमने जोड़ लेनी है। ये हमने दोनों साइडें, दोनों साड़ी जोड़ने के बाद हमने ऊपर सिंपल हमने चोंडे डालने, एक इंच की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी चोंडे डालने की, जैसे मैंने पहले भी बताई थी। ये हमने दोनों साड़ी जोड़ी, इसकी सिलाई थोड़ी सी मैं डबल कर दी थी। फुट पैडल का भी मुझे क्वेश्चन किया था किसी ने कि वो बता दें कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्टैंड पे होती है मशीन और वो नीचे होता है, इस वजह से वीडियो में सही से आता है ना, लेकिन अगर मुझे कोई हिसाब लगा उसका भी तो वो भी मैं आपको यूज़ करना बताऊँगी कि फुट पैडल पैडल जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने दोनों साड़ें जोड़ ली हैं इसकी, ये मैं कट कर लूँ, ये दोनों साड़ें जोड़ ली, ये खुली होगी शलवार। अब इसकी मैंने पहले ये हाफ का कट लगाया हुआ, हाफ इधर हाफ इधर, जिस तरह उसका सेंटर का कट लगाया मैंने उसी तरह मैंने इसका कट लगाया हुआ,
तो ये हमारी सलवार का, ये देखें ये घेरा है हमारी सलवार का, नीचे का ये हमारी सलवार का घेर है, ठीक है। इसको हम अब चोंटे डालेंगे, ठीक है। ये देखें ये सीधी साइड है ना, ये मैं सीधी साइड इसलिए रखी हूँ कि आपको चोंटे डालने में आसानी रहेगी, ठीक है। सीधी साइड इसकी रखें और ऐसे आएगा ये हमारा बेल्ट, ठीक है। वो भी सिलाई वाली साइड, ये भी सिलाई वाली साइड। अब मैं चोंटे डालनी है, आपको चोंटे डालना बताना है, इसलिए मैं बेल्ट वाला जो हिस्सा है वो नीचे रख लूँगी और चोंडे हमने इस पर डालनी है, नीचे वाले हिस्से पे वो मैंने ऊपर रख लिए, ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ से हम चोंडे डालना शुरू करेंगे। ये जितना भी घेर है ना, ये सारा कपड़ा, ये सारा का सारा घेर हमने पूरा करना है इतने बेल्ट में, ठीक है। ये चार हिस्से इसके बन रखे हैं, ये सारा घेर हमने इसमें कवर करना है। तो मैंने जो ट्रिक लगाई है वो ये है कि ये देखिए, आप लोग तो पहले वो कच्ची जो सिलाई होती है वो भी लगा सकते हैं चोंडे डालने से पहले। ये देखें मैंने ये इंची टेप रखा, यहाँ से मैंने लिया, ये लिया मैंने 3.5 इंच, ठीक है। 3.5 इंच से आगे मैंने 1-1 इंच की चोंड डालते जाने, ठीक है। 3.5 इंच से मैंने आगे 1-1 इंच की चोंड डालते जाने। ये मैंने निशान तो मैंने वैसे लगाया नहीं, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। ये 3.5 इंच मैंने लिए, यहाँ से हमने अंदर को सीधा रख के ना चोंडे डालूंगा, आपको समझाना इजी रहेगा ऐसे ऐसे डाल, ठीक। ये मैं आपको चोंडे डाल के बता देती हूँ एक ही, फिर बाद में बेल्ट जोड़ लेंगे, ठीक है। आपको अगर एक ही चोंडे डालना आ गई ना तो 3.5 इंच पे निशान आएगा। 3.5 इंच से मैंने कपड़ा पकड़ना है ऐसे, और ये देखिए यहाँ पे आप इंची टेप ऐसे रखें, इंची टेप, ठीक है। ये इंच टेप रखा, 3.5 इंच नज़र आ रहा आपको, ये 3.5 इंच हो गया। यहाँ से मैंने ये कपड़ा उठाना है ऐसे करके, तो ये 1 इंच पे मैंने आके ये रख दिया, ठीक है। ये कपड़ा उठाया और 1 इंच पे रख दिया, ये हमारी 1 इंच की चोंड हो गई, ठीक है। इसी तरह मैंने 1-1 इंच पे चोंडे डालनी है सारी, ये देखिए ये 1 इंच की चोंड हो गई। फिर आगे मैंने क्या करना है, फिर यहाँ पर इंची टेप रखना है 2 इंच पर, 1 इंच की चोंड होगी ना, 1 इंच कपड़ा छोड़ना, 2 इंच पर रखा। फिर मैंने ये ऐसे ऐसे चोंड डालनी और कपड़ा मेरा आएगा 1 इंच तक, ठीक है। इसी तरह से मैंने बाकी भी सारी चोंडे डालने ली। अब मैं आपको एक ही कच्ची सिलाई लगा के बताती हूँ ताकि आपको चोंटे डालनी आ जाए, ठीक है। मैंने बेल्ट इसीलिए साथ नहीं रखा कि जब ये एक ही आपको डालनी आ जाएंगी ना, फिर मैं बेल्ट साथ रखूँगी। ये मैं आपको कच्ची, ये इसी तरह मैंने 1-1 इंच पे चोंट रख के मैंने डाल ली। कटिंग इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो देख के तो उसी के अकॉर्डिंग आपने कटिंग करनी है, फिर आप स्टिचिंग की वीडियो देख लीजिएगा। ये देखिए ये 1 इंच, बहुत इजी तरीका मुझे ये लगा ये चोंटे डालने के लिए। वैसे मिलते रहते हैं मिलने, तो ये मुझे ज़रा इजी वे लगा, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया, ठीक है। ये देखिए अब जहाँ पर हमारा ये आ जाएगा ना कट, सेंटर है इसका, तो इसका यहाँ पे कट होना चाहिए। कट मैंने लगाया हुआ था उसका, और इसका ये ठीक, यहाँ पे इसका सेंटर का कट है। कितनी होगी, अब एक और चोंड डालूंगी मैं, 2 इंच पे आपने रखना है जहाँ पे चोंड डाली हुई है, 1 इंच की ऊपर चोंड डालेंगी। ये आ गई हमारी 1-1 इंच की, ये 1 इंच ऊपर आ गया। कच्ची सिलाई करना मैं इसलिए बता रही हूँ कि ईजी रहेगा। वैसे तो मैं बेल्ट ऊपर रख के स्टिच कर सकती हूँ, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आएगी कि चोंटे कैसे डाली हुई हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने ये डाली है, इसी तरह हमने दूसरी साइडों को भी डाली है चोंटे। तो इसके ऊपर मैं आपको बेल्ट रख के भी बता देती हूँ कि बेल्ट इसका पूरा आ रहा है या नहीं, ठीक है। सारा बेल्ट भी चेक कर लेंगे कि बेल्ट इसका पूरा आ रहा है या नहीं। ये हो गई चोंट, कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चोंडे होंगे। अब कपड़ा ख़त्म हो रहा है, तो हम चेक करते हैं कि ये चोंडे पूरी हुई है नहीं। अब हमने चेक कैसे करना है, ये सिलाई है इसकी, इस सिलाई को इस सिलाई के ऊपर रखना है ये, ठीक है, और इसको इधर ऐसे जोड़ना है। ये देखिए
इसकी आ जाएगी, चेक करते हैं कि ये पूरा आया है। ठीक, ये हमने कपड़ा पूरा कर लिया। अब देखें ये इतना बच रहा है, तो हम इसकी एक चोंड और डाल लेंगे। इसका कट ये आ रहा है और वो वाला कट ये आ गया, तो इस कट को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम तकरीबन एक इंच की चोंड हम और डाल देंगे, या फिर जितना आपका बनता है पूरा रख के आपने देख लेना। लाजमी नहीं है कि आपने लकीर का फकीर ही रहना। ये देखिए ये होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ तक चाहिए, ये कट है हमारा, यहाँ तक आना चाहिए, और बाकी ये हम डाल देंगे एक इंच की चोंड, ये डाल गई और ये हमारा पूरा आ गया कपड़ा। ठीक है, ये हमने चोंड डाल दी है, लास्ट वाली जो है वो मैं डाल दी आखिरी की, ये ठीक है, ये मैंने आखिरी चोंड डाल ली है, तो ये कपड़ा हमारा पूरा आ जाएगा बेल्ट में। ये देखिए मैं आपको बेल्ट रख के बता दूँ ऊपर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये ऐसे ऊपर बेल्ट आ जाएगा और इसको स्टिच कर लें। ये देखिए ये पूरा पूरा आ गया, ठीक है। ये अब मैं आपको बेल्ट नीचे रख लिया मैंने, ऊपर ये जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी वो रखी है, ये स्टिच करके मैं आपको बताती हूँ कि इसको साथ जो अटैच कैसे करना है हमने। ये पिन्ने मैंने इसलिए लगाई है कि कपड़ा सार अटैच रहेगा, टिका रहेगा एक जगह पे। पहले सिलाई लगा लेंगे फिर भी ठीक है, अगर साथ साथ चोंडे डालते जाएंगे। जैसे मैंने ये हाफ की तो मैंने पहले सिलाई लगा ली थी, आगे वाली चोंडे मैंने डाल के अटैच कर ली है, वैसे उसके ऊपर मैंने कच्ची सिलाई नहीं लगाई, साथ साथ डालने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होना था, इसलिए मैंने पहले डाल ली है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बन जाए। ये आ गया हमारा सिलाई वाला हिस्सा, ठीक है। आगे हमने 3.5 इंच पे चोंडे डालना शुरू हुई थी ना, वहाँ पे मैंने निशान लगा के तो मैंने डाल दी, यहाँ से हमने ये चोंडे स्टार्ट किए, ठीक है। ये मैंने डाली हुई थी, पिन्ने मैंने लगाई हुई है साथ साथ साथ, मैं पिन्ने उतारती जाती हूँ और सिलाई लगाती जाती हूँ। 3.5 इंच से मैंने 1-1 इंच की आगे लगाई हुई है, ठीक है। ये 1-1 इंच आपने रखते रहना, अगर 1 इंच से ज़्यादा भी, 1/2 इंच या 1.5 इंच पे भी बनती है ना, आपने कपड़े के हिसाब से रखना है, कपड़े के हिसाब से आपने चोंडे डालनी है। लाजमी नहीं है कि आपने 1 इंच की डालनी, आपने कपड़े के मुताबिक डालनी, जितना कपड़ा होगा उतनी चोंडे बड़ी या छोटी हो जाएंगी। कपड़ा ज़्यादा होगा चोंडे बड़ी होंगी, कपड़ा कम होगा चोंडे छोटी होंगी। एक चोंडे में ठीक है, एक ये आ गई, ये वाली पिन भी मैं उतार देती हूँ, पिन्ने वैसे मैंने लगा के रखी हुई थी सारा। वो पिन उतारी उसकी चोंट ये थी, तकरीबन 1.25 इंच की चोंट मैंने डाल दी, ठीक है। इसी तरह से एक चोंट की, ये भी उठा लेते हैं, हमने इसके मुताबिक डालनी जी, ठीक है। ये कपड़ा हमने पूरा करना है, ये निशान है ना, इसके ऊपर हमने इसको पूरा करना है। ये जो बाकी रह गई वो डालती हूँ, ये आप डाल, दो डालेंगे, ठीक है। एक ये देखते हैं, एक डालेंगे या दो, एक ही डालेंगे, ठीक है। एक चोंड और डाल देंगे इसमें, ये निशान के साथ निशान मैच हो गया,
ठीक है। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड की भी डाल लेनी है। ये देखें, ये चोंडे डल गई हैं दोनों साइडों पे, आगे से भी और पीछे से भी। अब मैं आपको इसका पांचा बनाना चाहती हूँ, ठीक है। पांचे के लिए ये उल्टी साइड हमने रखी है, ठीक है। उल्टी साइड हम यहाँ पे रखेंगे, और ये मैंने 2.5 इंच मैंने चौड़ाई इसके लिए या टिकन की, और बाकी मैंने फुल इसके साथ लेंथ जितनी बनती है ना, फुल लेंथ मैंने ले ली है इसकी, जितनी लेंथ हमने पांचे की रखी थी, पूरा नाप लेके इसका, तो लेंथ मैंने इतनी ली है, जितना ये पीस, ठीक है। 2.5 इंच आपने चौड़ाई लेनी है अपनी लेंथ लेके, और एक्स्ट्रा पीस लेके कपड़े को उसके साथ इसको जोड़ लेना, और बाद में हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। ये वाली साइड कर लेंगे, ज़रा कपड़ा कम ईजी लग जाएगा। ये पूरा पूरा रखना है आपने ऐसे, ठीक है। मैंने पूरी पूरी टिकन रखी हुई, एक पाँव का जो कपड़ा छोड़ते हैं, 1 से 1.5 पाँव का वो आपने छोड़ लेना। करने से थोड़ा सा कपड़ा लगे छोड़ देना जितना। अब ये जो लगा हुआ ना जोड़, इसको हमने ऐसे खोल लेना, ज़रा सफाई आ जाएगी कपड़े में। एक साइड का भी कर देना, कोई मसला नहीं, लेकिन ये सफाई आ जाती है। इस तरह से वो वाला कपड़ा आपने खोला था, ये सिलाई से इसी तरह से ये खोल लेना इससे, ठीक है। और ऐसे तकरीबन 1 से 1.5 पाँव का कपड़ा छोड़ के सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई। अब ये उल्टी साइड पर रखा था, सीधी साइड को सीधी से जोड़ा था, ये अब ऐसे सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये सीधी साइड आ गई। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, और एक ऊपर से इसको जोड़ने के लिए, जैसे कपड़े को खींच के ना ज़रा अच्छे से फिर वो जोड़ जाएगा, ठीक है। पूरी सिलाई लगानी है इस पर, पूरी सिलाई ये लगानी है, फिर इसके बाद हमने ऊपर से सिलाई लगा, ये लगी हमारी एक सिलाई, ठीक है। ये सिलाई लगाने के बाद ऊपर जो कपड़ा उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे, इधर को भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सीधा कपड़ा रख के लगा रही हूँ, ईजी नहीं रहेगा। उल्टी साइड पे लगाएंगे तो वो मुश्किल हो जाती है, ज़रा कपड़ा पकड़ने में नहीं आता, थोड़ा सीधा का खींच लेना कि निकलना रहेगा। अब इधर एक सिलाई लगाऊंगी, आप चाहें तो 2-3 सिलाइयाँ लगा के डिज़ाइन वगैरह में, क्योंकि जैसे पहले 5 रुपये पे सिलाइयाँ लगती थी, लेकिन मैंने बस यही लगाई है। एक सिलाई ये हमारा 5 रुपये का जो कपड़ा ना, ये अटैच होगी, ठीक है। ये सिलाई लग गई, ये मैं काट लूँगी। ये देखिए, ये हमारा 5 रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे ऑफ करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नज़र आ रहा है, एक्स्ट्रा तो वैसे है नहीं है, पूरा पूरा ही आ रहा है ये, ठीक। यहाँ पे मैं इंच टेपर के साथ 1 इंच का निशान लगाऊंगी, तो इसकी फिटिंग की, फिटिंग की वैसे ही है जितना कपड़ा, उससे आपने 1 इंच रख के सिलाई के लिए, तो ये 7 इंच पर मैंने 7 इंच का 5 रखना है। आप लोगों ने अगर छोटा करना होगा तो कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊँगी। फिटिंग के लिए आपने ये जो 5 इंच ये इसको आपने डबल कर लिया, पूरी को ऐसे थोड़ा करते हैं, लेकिन आप पूरी को डबल, ठीक है। यहाँ से आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लें, जो बाहर को ना निकले, जो बाहर को निकलता है ये सिलाई के नीचे आएगा। बाजू पे भी आपने ऐसे करना होता है, बाजू का जो आप फोल्ड करते हैं उसमें भी ऐसे ही आएगा, तो इसमें भी। बाकी अब ये देख लें, ये 5 बन गया। अब ये जो कपड़ा है ना, आपने इसको ऐसे ही इतना 1 इंच जितना छोड़ के इतना छोड़ कर आपने स्टिच कर, ठीक है। बाकी आप ओवरलॉक करवानी है इसको, ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, 1 इंच छोड़ कर, ठीक है। पूरी साइड हमने जोड़ लेनी है इसकी। शलवार दिखा दूँगी एक दफ़ा स्टिच होने के बाद पूरी की पूरी, ये सिर्फ नाली की सिलाई है और कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी हमारी तकरीबन पटियाला शलवार जो है ना वो स्टिच हो चुकी है।
मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को एक एक स्टेप समझाऊँ, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मेरी कोशिश ये थी वीडियो भी ज़रा लंबी ना हो और आपको एक एक स्टेप भी मैं सिखा दूँ, इजीली आपको समझ आ रहे हैं सही कि कैसे बनती है। अपलोड कर चुकी हूँ तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं कर दूँगी, वो भी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है वो आपको दे दूँगी। ठीक है, ये एक साइड की सिलाई लग गई है, अब इसी में दूसरी साइड की सिलाई लगा दूँ तो बस हमारी सिलवा रही है। आपने एक जितना एक इंच तकरीबन मैं कपड़ा रखी में वो एक इंच कपड़ा रखे तो आपने बना लेंगे। ठीक है, दोनों साइडों से इस तरह लगाते हैं कि बराबर आ जाती है। वैसे अगर एक एक ही साइड से मैं लगाऊं तो फिर वो बराबर नहीं आती, पता नहीं कि जरूर मैं ऐसे काट जी। ठीक, दूसरी सिलाई लग गई, अब मैं ये आपको सीधी करके ना फिर मैं बता देती हूँ आपको ये पटियाला सलवार। ये हमारी पटियाला सलवार रेडी है। ठीक है, इसकी मैंने आपको एक एक स्टेप बताने की कोशिश की है कि आपको इजीली समझ आ रहे हैं, बहुत ही इजी वे है ये पटियाला सलवार सिलाई करने का। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।